नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ समय और मैं हूं विशन सिंह क्रांति। श्री जय जलाराम बापा चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड बुलेश्वर ने रविवार को श्री जलाराम जयंती उत्सव का भव्य आयोजन किया। सुबह बुलेश्वर स्थित श्री जलाराम बापा के मंदिर में पादुका पूजन अर्चना का कार्यक्रम हुआ। 12 बजे महाआरती का आयोजन हुआ। भक्तों के उत्साह को आप देख सकते हैं। इस अवसर पर बापा का भंडारा रखा गया, जो श्री हालाई लोहाना महाजनवाड़ी सीपी टैंक में 12 बजे से भंडारा शुरू हुआ, जो शाम 4 बजे तक हजारों भक्तों ने बापा का प्रसाद लिया। शाम होते होते मंदिर प्रांगण में मंडल की बहनों ने भजन कीर्तन का आयोजन किया। ट्रस्ट के प्रमुख योगेश वसंताल वसानी ने ट्रस्ट की गतिविधियों की एम जयंती के निमित्त जानकारी दी। जलाराम बाबा का मंदिर जो है वो हमारे पिताजी ने 1960 में राम खिचड़ी चालू किया था, 25 रुपये में चालू किया था, और 1960 से लेकर आज 2019 तक खिचड़ी अवरित चालू है। एक दिन भी छुट्टी नहीं की गई है, एक दिन भी बंद नहीं हुआ है, बराबर। और यही बाबा का जो महिमा है वो हजारों लाखों भक्त जो है यही मंदिर में दर्शन करने आते हैं, पधारते हैं। रोज शाम को बाबा का मंदिर में खिचड़ी बांटी जाती है, बराबर है। लोगों का समझो भाई, जो भक्तों का जो डिमांड रहता है वैसे समझो समोसा है, कचौरी है, भावनगरी गांठिया है, बूंदी है, बूंदी लाडू है, रोटी है, सब्जी है, दही है, सब तरह तरह के रोज समझो भाई बांटा जाता है और हजारों भक्त उनका लाभ लेते हैं। रोज शाम को खिचड़ी बांटी जाती है 7 बजे। बाबा की 220वीं जन्म जयंती है, तो 220वीं जयंती के निमित्त सुबह 10 से 12 महापूजन किया गया, हजारों भक्तों ने उनका लाभ लिया। दो अपना 12 बजे महाआरती किया गया, 12:10 को यहाँ भंडारा चालू किया गया, और आज 10 से 12 हजार लोग भक्तों का प्रसाद लेंगे। 3 हजार बाहर टिफिन भर रहे हैं, तो 3 हजार घर में टिफिन जाएंगे। जिसके माता पिता बुजुर्ग है, कोई समझो कोई चल फिर नहीं सकते हैं, बच्चा है, छोटा है, और तो उसके लिए प्रसाद घर पे भी दिया जाता है। आज के भंडारे में बापा को जो प्रिय राम खिचड़ी थी, तो प्रिय राम खिचड़ी, कढ़ी, बाजरी रोटी, मोहनताल का प्रसाद और गांठिया, और वहाँ पर जो मंदिर में है बूंदी प्रसाद, सब भक्तों को दिया जाता है। बापा के मंदिर की तरफ से 12 महीने में, जून और जुलाई महीने में जब स्कूलें खुलती है, तो 25 लाख रुपए की नोटबुक्स और स्कूल फीस दी जाती है। रोज का 8 से 10 हजार रुपया हम लोग समझो भाई मेडिकल में लोगों को देते हैं। जिसके पास डॉक्टर का प्रिसिपिकेशन है तो उनको 1000 रुपये तक की दवाई लेके देते हैं। हॉस्पिटल में हो तो 3 से 5 हजार रुपया पर मरीज को दिया जाता है। और आज 220 साल से हमारा जो वीरपुर हेड ऑफिस है, जलाराम बाबा की हेड ऑफिस वीरपुर जिला राजकोट, तो वहाँ पर जो है आज लास्ट 12-15 साल से 1 रुपया भी सारी दुनिया में एक ही मंदिर है जो चाराना भी नहीं लेते हैं, और रोज का 10 हजार भक्तों वहाँ का प्रसाद लेकर ही बाहर निकलते हैं। तो बाबा का संदेश है कि लोगों को खिलाओ। इस अवसर पर कोलाबा के नव निर्वाचित विधायक राहुल नार्वेकर ने भी अपनी उपस्थिति दी। उन्होंने कहा कि इसी वार्ड का काया पलट करना मेरी पहली प्राथमिकता है। ये पहचान मैं अगले 5 साल में सी वार्ड को देकर यहाँ की मूलभूत सुविधा सुधार कर यहाँ पे स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन के नाम से इसे मशहूर करूँगा, इतना कहना चाहूँगा। नगर सेवक आकाश पुरोहित भी उपस्थित थे। भक्तों ने भी अपने मनोगत बताए। इनका तो
जो जलाराम बापा का ये भंडारा है, इससे ये कभी मुझे लगता है कि समाज को बांटने का नहीं, समाज को जोड़ने का काम करता है और प्रेम बांटने का काम करता है। मेरा नाम भूषण, भूषण योगेश भसानी, जन्म जयंती की शुभकामनाएं, जय जलाराम बापा। जलाराम बापा ये ट्रस्ट के जो योगेश भाई और सब पूरे उनके मित्र मंडल जो काम करते हैं, वो कोई जाति धर्म या कोई मानते नहीं है, सब धर्म सर्म धर्म समभाव रखते हैं और गरीबों की सेवा, ये ईश्वर की सेवा, जैसे पुलिस में कहते हैं कि लोगों की सेवा, वैसे जनता की सेवा ये ईश्वर की सेवा। जलाराम बापा मंदिर के जो हॉल में है, हर गुरुवार, हर पूनम, हर अमावस, हर ग्यारस भजन कीर्तन रेगुलर होते हैं। जो बहनें आती हैं, 80-100 बहनें भजन में हर गुरुवार पूनम अमावस ग्यारस के दिन आती है, उसको भजन के बाद प्रसाद दिया जाता है और हर एक बहनों को खुशी से नवरात्रि में साड़ियाँ भेंट दी जाती है, जलाराम जयंती में साड़ियाँ भेंट दी जाती है और उसका जो ये सेवा करते हैं वो हमारे नूतन सोनी मैडम हैं और ये पुष्पा नागरा जी। 220 में आज जलाराम जयंती है, उसमें इतने भंडारा की तो बात अलग है, पर हम लोग जो हमारा मंदिर है जलाराम का, उसमें भी 2000 बहनों और 1-10 तारीख तक हम लोग चावल देते हैं उनको। हमने जलाराम मंदिर जब से आने शुरू किया है, 6-7 साल से हम आते हैं और जब से हमारी 100-125 महिला हर गुरुवार को यहाँ भजन के लिए आती है, तो हर गुरुवार को भजन होता है, हर ग्यारस को भजन होता है, बाद में 5-7 भजन होने के बाद उनको चाय पानी नाश्ता दिया जाता है और हमको ये होता है कि कब गुरुवार आए और हम जाएं और वो महिला और सब बहनों की हम सेवा करें। बापा की सेवा में हमको इतना आनंद आता है कि हम बता नहीं सकते हैं। भूलेश्वर जलाराम बापा मंदिर जो है, जिसको अभी कन्यादान हो, कोई भी गरीब कन्या हो, तो उसको कन्यादान का पूरा जो है, पूरा खर्च जो है, पूरा सहयोग, पूरा खर्च जो है, 50 लोग बेटे की तरफ से, 50 लोग बेटी की तरफ से, और वो कन्यादान उसको देकर अपने घर विदा करते हैं। और समूह लग्न जो रहते हैं, वीरपुर में भी समूह लग्न होते हैं हर फरवरी में, तो वहाँ पर 64 समूह लग्न होते हैं, तो वहाँ पर भी 12-15 लाख का कन्यादान के रूप में भेंट सौगात यहाँ से बच्चियों को जाता है। ब्लड कैंसर वाले को हम लोग सेवा करते हैं, डायलिसिस की सेवा करते हैं। ये हमारे योगेश भाई वसाणी का ध्येय है कि किसी को खाने का किसी को पूरा करना चाहिए, ये हमारा ध्येय है। मेरा पंचांग के शुरुआत बापा का मंदिर से यहाँ से हुए थे और धीरे धीरे उन्नति करते गया बापा के दया से। खरेखर ये अवर्णनीय जटलू थे। माधुबाग पांजरा बोल मित्र मंडल हर साल जो 10 दिन माता जी को विराजमान करते हैं, वहाँ की मंडली भी यहाँ पर सेवा के लिए आई है बराबर, और वहाँ का, वहाँ मैं भले 10 दिन में हाजिरी नहीं दे पाता हूँ, फिर भी मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरी शौहरत हमेशा ये लोग कायम रखते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट, कैमरा पर्सन एक नाथ के साथ शुभ समय, लाइव डिजिटल न्यूज चैनल मुंबई।